हेलो गाइस, जॉन रिहान, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम लोग रिव्यू करने वाले हैं OnePlus 10T के बारे में। OnePlus 10T, दिस इज द लेटेस्ट डिवाइस बाय OnePlus एट 50,000 रुपीज एंड फ्लैगशिप फीचर्स से सारे ऑलमोस्ट सारे स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 आता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स जो गर्म भी नहीं होता। बाय द वे, मैंने OnePlus 10 Pro भी एक्सटेंसिवली यूज किया था, एक्सटेंसिवली टेस्ट भी किया था, लेकिन रिव्यू नहीं डाला बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेट फॉर अ सॉफ्टवेयर अपडेट जिससे हीटिंग हो रहा है ये फोन में वो फिक्स हो जाए। अभी 5 मिनट के लिए फोन यूज कर रहा था, अभी भी मुझे तुरंत गर्म फील हो रहा है। ये सारा प्रॉब्लम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ है जो फिक्स कर दिया है, नॉट विद अ सॉफ्टवेयर अपडेट बट विद अ हार्डवेयर अपडेट इंस्टेड OnePlus 10T के साथ एंड 8 प्लस जेन 1 के साथ आता है, जो बहुत बढ़िया है इन माय ओपिनियन। OnePlus 10T का रिव्यू है, सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कपल ऑफ गुड पॉइंट्स। डिस्प्ले ऑन दिस डिवाइस इज रियली गुड, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले एट द प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज, ऐसा ही डिस्प्ले आना चाहिए एंड दैट्स द केस हियर। अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है, आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है, व्यूइंग एंगल्स कलर्स कोई इशू नहीं है इन माय ओपिनियन। मतलब जो नॉर्मल पब्लिक को अच्छा लगेगा कलर्स, वैसा ही टाइप का डिस्प्ले। इट्स नॉट कलर एक्यूरेट बट वैसा चाहिए भी नहीं बिकॉज वो पब्लिक को पसंद नहीं आएगा इन माय ओपिनियन। सो व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। चार्जिंग स्पीड 150 वॉट भाई बहुत फास्ट है, मतलब कुछ ज्यादा ही फास्ट है इन माय ओपिनियन। 120 वॉट वाला Xiaomi 11T Pro मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंड दैट इज वेरी फास्ट, बट 150 वॉट मतलब जो इनिशियल 50% तक होता है बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब 10 मिनट चार्जिंग को लगा दो 50% तो इजीली पहुंच जाता है। तो बैटरी लाइफ के बारे में अगर बात करें, 4800 mAh बैटरी है, बहुत अच्छा है एंड बैटरी लाइफ एक दिन आप निकाल सकते हो इजीली, नॉट एन इशू। डे एंड में मे बी आपको ऐसा लगे कि अरे 15-20-30% ही बैटरी बची है, बट शुड नॉट बी एन इशू। आई वॉज एबल टू गेट थ्रू वन सिंगल डे विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ गेमिंग बाय द वे। बट चार्जर इतना फास्ट है 150 वॉट का, अगर आप चार्जर कैरी करोगे 5 मिनट के लिए भी चार्जिंग कर दो भाई फटक से 50% तक हो जाएगा, मतलब 30% पे 5 मिनट में लगाया तो 50-60% ईजिली हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट चार्जिंग द डिवाइस, एज इन चार्ज इतना फास्ट होता है कि वो चार्जिंग के लिए वेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। दैट्स वाई बैटरी लाइफ आई वुड स्टिल गिव इट अ ह्यूज थम्स अप बैटरी लाइफ में एंड चार्जिंग स्पीड तो क्रेजी फास्ट है ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कपल ऑफ पॉइंट्स विच आई डिड नॉट लाइक। सबसे पहले आई यूज OnePlus फोन्स एंड जब भी आई स्विच टू OnePlus फोन मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है पता है, रिंगिंग मोड में ऐसे कर दूंगा, वाइब्रेशन मोड में ऐसे, साइलेंट मोड में ऐसे, अभी वाइब्रेशन पे अभी रिंगिंग में। ये इतना मसल मेमोरी मेरा इतना स्ट्रांग हो गया कि नीचे रिंगिंग वाइब्रेशन साइलेंट OnePlus 10T में वो निकल दिया। आई हैव नो आइडिया हाउ व्हाई हु डिसाइडेड कि ये दिस इज अ गुड आइडिया, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स लाइक इट फील्स लाइक कि सोनी ने PS6 लॉन्च किया बट बोल रहे कंट्रोलर नहीं देंगे, अभी कुछ अलग ही, मतलब कुछ अलग ही करना है। मतलब आई नो इट्स एक्सट्रीम एग्जांपल बट कुछ ऐसा ही लग रहा है यार। PS5 एंड इट्स कंट्रोलर, OnePlus एंड इट्स अलर्ट स्लाइडर, दीज टू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम ईच अदर, जो OnePlus 10T में हो गया है। बहुत सारे OnePlus यूजर्स है हु आर अपग्रेडिंग फ्रॉम लेट्स से OnePlus 7T टू 10T अपग्रेड करने वाले हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर दे आर गोइंग टू मिस आउट ऑन द अलर्ट स्लाइडर। OnePlus हैज टू लाइक लिटरली हैज टू ऐड अलर्ट स्लाइडर बैक विद द 11 सीरीज। लेट्स सो बजट फोन्स में उनको नहीं देना है तो दैट्स फाइन, मत दो वहां पे, बट फ्लैगशिप फोन्स में तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू रिमूव दैट बिकॉज आई फील दैट वॉज अ डिस्टिंग्विशेबल फैक्टर फॉर OnePlus फोन एज कम्पेयर टू अदर फोन, बिकॉज कोई और ऐसे अलर्ट स्लाइडर देता नहीं है एंड वो एक्चुअली यूजफुल है, ऐसा भी नहीं कि यूजलेस फीचर है यार, तो दैट्स वाई दे शुड ऐड दैट बैक। अनदर थिंग, 50,000 का फोन है एंड इवन दो द बिल्ड क्वालिटी इज गुड, द लुक्स आर सब्जेक्टिव बट आई लाइक हाउ द फोन लुक्स, फील्स गुड इन हैंड, बट द साइड्स आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। 50,000 rupees price point. I have the iQOO 90, which is another device priced at about 50,000 rupees. This feels slightly lighter, by the way, but battery thoda different hai. Iske baare mein baat nahi karenge. But this has metal frame. OnePlus 10 Pro also has metal frame. OnePlus 9RT, which was launched last year, I guess, also has metal frame. OnePlus 10R did not have metal frame, and this one also does not have metal frame. I feel like at the price tag of 50,000 rupees, OnePlus should have gone with a metal frame, but अगर आप cover use करने वाले हो at the end, then it does not really matter that much कि metal frame है या नहीं है, because cover लगाओगे तो कौन सा ही feel करोगे, but metal frame होना चाहिए था because of the price point in my opinion. Next up, let's talk about sound quality because that is also very good, similar to any other OnePlus phone launched in past few years. Sound quality यहाँ पे बहुत बढ़िया है, microphone का कोई issue नहीं, reception का कोई issue नहीं, ड्यूअल सिम का, ड्यूअल वोल्टी, वो वाई फाई सब बढ़िया चलता है। वाई फाई 6 मिलता है आपको, आपके पास राउटर नहीं है बट वाई फाई 6 फोन में बाई डिफॉल्ट मिलता है, सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। नाउ नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, इज इट अ गुड पॉइंट और इज इट अ बैड पॉइंट। भाई सॉफ्टवेयर अगर बात करें ना, तो ये कलर ओएस हो गया है ऐसे बोल सकते हो आप,
ऑक्सीजन ओएस नाम है, बट ऑक्सीजन ओएस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? इट वॉज ब्लोट फ्री. एंड विथ वन प्लस 10T इट इज स्टिल ब्लोट फ्री. सो दैट्स व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट. अगर कलर ओएस देने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट्स फास्ट होने वाले, स्टेबल अपडेट्स होने वाले, देन आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर अपडेट. बट अभी ये तो फ्यूचर ही बताएगा. वील कम टू नो अबाउट दैट इन कपल ऑफ ईयर्स इफ ओप्पो इज गोइंग टू हैंडल द सॉफ्टवेयर साइड बाय कीपिंग इट ब्लोट फ्री एंड स्टिल बहुत फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे. देन आई एम हैप्पी टू हैव कलर ओएस, नॉट एन इश्यू एट ऑल, बिकॉज फोन एक्चुअली बहुत ज्यादा फास्ट है. मतलब आपको फास्टनेस फील होता है, वन प्लस का फोन है ऐसा फील होता है. इवन इफ आई do the fingerprint sensor right now, this is the phone is locked right now, I'll do this, phone is unlocked, I'll just wait. ये देखो उंगली रख दिया, unlock हो जाता है fast. Fingerprint sensor performance fast है, device का performance fast है, day to day life में कोई issue नहीं है. But I may have a slight issue with the camera, or will I? Because अगर बात करें primary camera sensor के बारे में OnePlus 10T में, तो बहुत बढ़िया है यार. मतलब अच्छे photos click करता है, आपको photos पसंद आएंगे which are clicked from OnePlus 10T. Even in night mode, primary camera performs really good. The issue starts with selfie camera. No, not really. Selfie camera भी बहुत बढ़िया है, अच्छे photos लेता है, details है pictures में. अगर bokeh mode वाले photos लेने तो वो भी अच्छे खासे आते हैं. General public को ये phone बहुत अच्छा लगेगा when it comes to camera. The problem is only in the 8 plus 2, मतलब ये तीन कैमरा दिए यहाँ पे. सो प्राइमरी कैमरा एंड 1 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एट द प्राइस ऑफ 50,000 rupees. आई एम क्वाइट शॉक्ड दैट OnePlus रिमूव द अलर्ट स्लाइडर. मेटल साइड्स भी नहीं है एंड 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड स्टिल दे प्राइस इट एट 50,000 rupees. प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट दे प्राइस इट एट 50,000 rupees, बट इट शुड हैव बीन 16 megapixel इन माय ओपिनियन, या फिर 48 megapixel होना चाहिए था अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सैम्पल शॉट, बिकॉज नॉट सैम्पल शॉट कैमरा, बिकॉज उसके वजह से कैमरा सैम्पल शॉट्स में आपको डिफरेंस नजर आएगा. दिस इज द साइड बाय साइड देख लो, मतलब नॉर्मल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में थोड़े कलर डिफरेंसेस नजर आते हैं, विच इज ओके इन सम ओकेजन्स. बट आईको 90 की अगर बात करें तो वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है इन दैट सिनारियो एंड सम अदर फोन्स. लाइक अगर बात करें सैमसंग के S21 FE या सैमसंग के फोन्स विच आर अराउंड द 50,000 rupees प्राइस पॉइंट, दे विल स्टिल परफॉर्म स्लाइटली बेटर वेन इट कम्स टू कलर्स बिटवीन रेगुलर कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एज कम्पेयर टू वन प्लस, थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे. बट अगर बात करना है जस्ट प्राइमरी कैमरे के बारे में तो बहुत बढ़िया एंड सेल्फी कैमरा भी अच्छा है. अल्ट्रा वाइड एंगल में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, सॉफ्टवेयर के अपडेट के साथ इसमें इंप्रूवमेंट होने के चांसेस नियर टू जीरो है, बिकॉज वो हार्डवेयर ही मतलब थोड़ा लिमिटेड है. बट ओवरऑल आई वुड से फोन यूज करते टाइम बहुत बढ़िया लगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका परफॉर्मेंस विद स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1. द ओनली रीजन आई यूज्ड OnePlus 10 Pro, I was so happy to start using the OnePlus 10 Pro. भाई बहुत हैप्पी था कि भाई OnePlus 10 Pro यूज करूंगा, प्राइमरी डिवाइस बनाऊंगा एंड ये एंड वो. बट इतना गर्म होता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की इट्स भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू रिकमेंड स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला एनी फोन, लेट इट बी OnePlus, iQOO, Realme, Xiaomi, कोई भी हो, बहुत डिफिकल्ट है. बट 8 Plus Gen 1, ये देखो द डिस्प्ले इज ऑन थ्रू आउट दिस वीडियो. कितना टाइम हो गया, 15 मिनट हो गया शूट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डिस्प्ले ऑन है. बट ये OnePlus 10 Pro का अगर मैं डिस्प्ले 15 मिनट के लिए ऐसे ही ऑन रखूँ, गर्म हो जाएगा, मतलब फील होगा गर्म हो गया, वेराज ये फोन अभी गर्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन विद iQOO 90, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये डिवाइस भी 50,000 में है. आई विल बी डूइंग द डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ दिस फोन, जिसमें आई विल डू थोड़ा डिटेल में कंपैरिजन एज कंपेयर टू OnePlus 10T. तो उसके लिए सब्सक्राइब करो चैनल को इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. बट iQOO 90 मेटल फ्रेम आता है, बैटरी लाइफ मतलब अच्छा है, उसका भी सिमिलर बैटरी लाइफ आई वुड से OnePlus 10T के जैसा. एक्चुअली दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज उसमें कम बैटरी आता है एज कम्पेयर टू OnePlus 10T. इसमें 4800 mAh बैटरी, बट स्टिल इट परफॉर्म सिमिलर इफ नॉट बेटर iQOO 90 व्हेन इट कम्स टू बैटरी लाइफ. डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, मतलब बाकी सारी चीज़ों में आई हैव नो इशूज. गेमिंग की बात करें तो BGMI बैन हो गया, तो आई डोंट नो क्या बोलूँ अभी. बट BGMI अगर आपको खेलना है OnePlus 10T में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 अच्छा है प्रोसेसर व्हेन इट कम्स टू हीट मैनेजमेंट एज वेल एज परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस तो तगड़ी देता है, हीट मैनेजमेंट डिवाइस टू डिवाइस वेरी करेगा. iQOO 90 के डिटेल्ड हीट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में मैं iQOO 90 के रिव्यू में बात करूंगा. सो सब्सक्राइब एंड लाइक करो ये वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो. सो विल आई रिकमेंड OnePlus 10T एट द प्राइस टैग ऑफ 50,000 rupees. अगर आपको OnePlus का फोन लेना है तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड चॉइस दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. एंड आई हैव सीन कि OnePlus ने ये ब्रांड नेम बना दिया, बिकॉज व्हेनेवर आई गो टू माय विलेज
लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे वन प्लस का फोन लेना है, भले बजट 20,000 है लेकिन उनको वन प्लस का फोन ही चाहिए, तो वन प्लस ने वो नाम बना दिया है, सजेस्टिंग देम अ रेडमी फोन। नाउ फील्स लाइक उनको लगता है कि ये रेडमी बोल रहा है क्योंकि मेरा बजट कम है, मतलब इसको लगता है मैं गरीब हूँ, मैं वन प्लस ले सकता हूँ। सो इट्स नॉट लाइक पीपल आर लाइक कि अलर्ट स्लाइडर नहीं तो मैं नहीं लूंगा, जो जनरल पब्लिक है, नॉन टेकी पीपल, जिनका मेजोरिटी ज्यादा है व्हेन यू गो आउटसाइड इन द मार्केट, वन प्लस 10T लोग लेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिकमेंड, अगर आपका बजट 50,000 है एंड आपको वन प्लस का फोन चाहिए, अगर नहीं भी चाहिए तो भी 50,000 में दिस इज अ वेरी गुड चॉइस इन माई ओपिनियन। एंड आई गेस दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सारे प्रोज कॉन्स मैंने बता दिए वीडियो में, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो यू कैन ट्वीट इट टू मी @dhananjan_tech। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।